सीतामढ़ी जिले के डुमरा अंचल अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी जिला के डुमरा अंचल अधिकारी चंद्रजीत प्रकाश को 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि गौरी शंकर सिंह ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि दूर अंचल अधिकारी द्वारा अतिक्रमण जमीन को मुक्त कराया जाए, जिसमें शोके द्वारा 50,000 घूस की मांग की गई थी, जो आज 25,000 के साथ विजिलेंस के अधिकारी ने पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। नाम है गौरी शंकर सिंह, तो यही इस मामले में परिवादी और इनका एक जमीन है जिस अतिक्रमण से मतलब ये जमीन ये था उसको मुक्त करना था अतिक्रमण से, और इन्होंने दो बार परिवाद भी डाला लोक शिकायत में, और दोनों बार परिवाद के एवज में जो यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी थे उनका आदेश था कि यह अतिक्रमण को हटाया जाए। दोनों बार सीओ का आदेश भी प्राप्त हुआ, पर इसमें भी सीओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। यही यहाँ के डुमरा सीओ जो उनका नाम है चंद्रजीत प्रकाश, फिर अंत में हार मानकर परिवादी ने उनसे कहा कि अगर कुछ हो जाए तो उन्होंने 50,000 की डिमांड की, लेकिन अंत में 25,000 में सेटलमेंट हुआ और आज सुबह चंद्रजीत प्रकाश 25,000 रुपये लेकर पकड़ा है। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।